हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कि कैसे हमने किसी ग्रिड व्यू के डेटा को PDF फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है, आजकल मोस्टली जो इंटरनेट पर फाइल्स जो फेमस है वो है PDF फॉर्मेट। तो इसी फॉर्मेट के ऊपर मैं एक एग्जांपल आज आपको बता रहा हूँ, जो ASP.NET के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो काफ़ी वेब एप्लीकेशन में काफ़ी बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने ग्रिड व्यू के डेटा को एक्सपोर्ट कर सकें PDF फाइल के अंदर। तो ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है, इसके हेडिंग से आपको पता चल ही गया है कि एग्जांपल क्या है, कन्वर्ट ग्रिड व्यू डेटा इनटू PDF फाइल इन ASP.NET, और जो लैंग्वेज मैंने यूज़ की है वो है C#। तो ये मेरे पास एक ग्रिड व्यू कंट्रोल है, जिसके अंदर जो डेटा अवेलेबल है वो SQL सर्वर से मैंने रिट्रीव किया है, और ये मेरे पास एक बटन है। तो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी डेटा होगा ग्रिड व्यू के अंदर, वो एज ए PDF फाइल जो है मेरे कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये लाइव एक तरह की कन्वर्जन है, ये फाइल मैंने पहले कन्वर्ट करके नहीं रखी, ये फाइल ऑन द स्पॉट ही जो कोडिंग के थ्रू कन्वर्ट होती है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है PDF फॉर्मेट के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है लाइव कन्वर्जन कर सकते हैं अपने ग्रिड व्यू के डेटा को PDF फाइल के अंदर। तो चलिए देखते हैं ये वाला प्रोजेक्ट आपने कैसे डेवलप करना है। तो इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं, और इस प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ, और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी वेबसाइट, और यहाँ पे आप लोकेशन और फोल्डर का नेम दे सकते हैं, जिसके अंदर आपका सारी प्रोजेक्ट्स की फाइल जो है सेव हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड व्यू डेटा विद PDF। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, हमने एक ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके राइट क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट नेम के ऊपर, और ऐड कर देंगे एक नई आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। आप चाहें तो वेब फॉर्म का नेम जो है यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई भी नाम एंटर नहीं करूँगा। तो ये मेरा ब्लैंक वेब फॉर्म जो है स्टूडेंट्स, वो ऐड हो चुका है प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं डिज़ाइन के अंदर चलता हूँ, तो सबसे पहले इसका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो टूल बॉक्स में से सबसे पहले एक कंट्रोल यूज़ करेंगे, लेबल कंट्रोल। तो जैसे मैं लेबल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, तो ये मेरा वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं हरिति स्टडी हब। तो ये टेक्स्ट मैं जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल डेली इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो आपकी तरफ से काफ़ी प्यार भी मिल रहा है, क्योंकि डे बाय डे मुझे मेल्स के थ्रू नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडिया स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे बाय मेल सेंड कर सकते हैं। तो इस बात का बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेरे साथ अपने जो कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट ग्रिड व्यू डेटा इनटू PDF फॉर्मेट फाइल इन ASP.NET और C#। तो चलिए इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना मेन कंट्रोल यूज़ करना है जो है ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करते हैं, और इसके ऊपर लिख देते हैं डाउनलोड ग्रिड व्यू एज PDF फाइल। तो
तो ये मेरी पीडीएफ फाइल के लिए हो गया बटन, और इसका भी जो फॉन्ट है वो कलर है वो चेंज कर देते हैं। तो अब हमने जो है कनेक्टिविटी अपनी जो है एसक्यूएल सर्वर के साथ करवानी है, उसके लिए मैं जो कंट्रोल यूज़ करूँगा, पहले भी काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ, आपको पता ही होगा अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो। ये मेरे पास एक कंट्रोल है एसक्यूएल डेटा सोर्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोल है एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए। तो कनेक्टिविटी करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम्पल के लिए, काफ़ी सिंपल जो है टेबल है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर के साथ, जितनी भी मैं अपनी टास्क परफॉर्म करता हूँ वो सारी एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो यूज़ करता हूँ, काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू सारा काम हो जाता है मेरा जितना भी डेटाबेस के रिलेटेड है। तो ये मेरे सर्वर का नेम है HPPC, और चलिए कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। और डेटाबेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी सिंपल डेटाबेस है, वो है शॉपिंग डेटा। तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो है इनवॉइस डिटेल, तो इसका एक बार डिज़ाइन आपको मैं दिखा देता हूँ। तो डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल है, तीन कॉलम यूज़ किए हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो इसके अंदर जो डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है वो भी आप देख सकते हैं, तो ये डेटा मैंने पहले से एंटर कर रखा है। तो आप ही ऐसा डेटाबेस और टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जिट कर देते हैं, और यहाँ पे अब हमने कनेक्टिविटी करवानी है इसी डेटाबेस के साथ जो भी मैंने आपको प्रीव्यू करवाया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फिगर पे, न्यू कनेक्शन पे, और यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर का जो नेम था वो प्रॉपरली लिखेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम तो आपको पता ही है, मैंने बताया था शॉपिंग डेटा, तो ये लीजिए शॉपिंग डेटा, टेस्ट कनेक्शन, ओके ओके, और अब हम करेंगे नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारे पास टेबल जो है एक ही था इसलिए वो पहले से सिलेक्टेड है, तो चलिए इस ऑप्शन में कहीं भी हमने चेंजेस नहीं करनी, सिंपली नेक्स्ट और टेस्ट कनेक्शन। और यहाँ पे हम करेंगे फिनिश, और चलिए अब हमने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करना है, तो ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से उसका फॉर्मेट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर जो ये वाली ऑप्शन है इसके अंदर जो है जब आप अपने ग्रिड व्यू को कन्वर्ट करेंगे PDF के अंदर तो उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर उसके अंदर फॉर्मेटिंग यूज़ होगी, तो इसमें आपको फॉर्मेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कन्वर्जन है वो सिंपल होगी। तो SQL डेटा सोर्स 1 आ चुका है, तो चलिए एडिट कॉलम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट को चेंज करके लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस, और इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आइटम स्टाइल के अंदर इसको हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, इसी तरीके से प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे और इसकी अलाइनमेंट जो कर देंगे हॉरिजॉन्टली सेंटर, इसी तरीके से प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी अलाइनमेंट कर देंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर, और इसको ओके कर देते हैं। तो चलिए इसकी जो साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोडिंग करनी है अपने इस बटन के ऊपर, मगर जो कोडिंग है उसके लिए हमने जो है यूज़ जो कंपोनेंट हमने थर्ड पार्टी का यूज़ करना है वो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा आपने यूज़ करना है। तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है जिसका नेम है itextsharp.dll, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये थर्ड पार्टी कंपोनेंट है, इसकी जो डाउनलोड लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थर्ड पार्टी कंपोनेंट हमें कन्वर्जन प्रोवाइड करवाता है, अगर आप ग्रिड व्यू को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, राइट क्लिक करेंगे ऐड, और रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हमने फिर से ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है, और अब हम ढूंढेंगे कि मेरा जो वो वाला कंपोनेंट है कहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐप ड्राइव के अंदर मैंने रखा है,
तो जो आपके फोल्डर्स हैं उनके अंदर सर्च कीजिए और वहाँ से इसको ब्राउज़ करके सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने ओके कर दिया और इसको फिर से ओके कर दिया। तो ये मेरा itax.sharp.dll जो है रेफर हो चुका है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए अब इसके ऊपर कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है नेम स्पेसिस यूज़ करनी है। तो नेम स्पेसिस जो है वो मेरे पास चार नेम स्पेसिस हैं। तो ये वाली कोडिंग भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही टेक्स्ट फाइल के अंदर दे दूंगा, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ी सी कोडिंग अपने माइंड के साथ समझनी है कि किस तरह ये वर्क कर रही है। तो वैसे तो आपको कोडिंग सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे फिर भी वे रन हो जाएंगी, मगर आप इसकी रेफरेंस जो है इंटरनेट से ले सकते हैं। टाइम की कमी नहीं होने के कारण मैं लाइन बाय लाइन जो है आपको टीच शायद नहीं करवा पाता कोडिंग के बारे में, मगर मैं कोडिंग को इतना सिंपल कर देता हूँ कि आप इजीली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बटन क्लिक के ऊपर जो कोडिंग करनी है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बटन क्लिक के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन जो है शो हो रही है, मगर कोई बात नहीं, ये पुराना मैप पुरानी क्लास थी फिर भी मैंने यूज़ की है। तो यहाँ पे आप फाइल का नेम दे सकते हैं जिस फाइल को आप क्लिक करने के बाद डाउनलोड एज ए नेम यूज़ करोगे। तो काफ़ी सिंपल कोडिंग है। मैंने स्ट्रिंग राइटर यूज़ किया है, HTML टेक्स्ट राइटर यूज़ किया है और उसके बाद में रेंडरिंग यूज़ की है ग्रिड व्यू के ऊपर। तो रेंडरिंग जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक मेथड ओवरराइड करना पड़ता है, वो ये वाला लास्ट वाला मेथड है। तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वेरीफाई रेंडरिंग इन सर्वर फॉर्म। तो चलिए जो कोडिंग है वो हो गई है। तो अगर आप कोडिंग को कॉपी के ऊपर नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी फाइल का लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव के साथ शेयर करके, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट मेरा जो है रेडी है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए मेरे पास जो है डेटा जो है डिस्प्ले हो चुका है, ग्रिड व्यू के अंदर सारा डेटा आ चुका है, प्रॉपर्ली रिट्रीव हो चुका है। तो चलिए इसको अब PDF में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जैसे मैंने PDF के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास जो है डेटा प्रॉपर्ली कन्फिगर होके आ चुका है, मगर आप देख सकते हैं जो मेरे हेडर टेक्स्ट है वो उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। तो उसकी अलाइनमेंट करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, ग्रिड व्यू को सिलेक्ट कीजिए और इसके हेडर स्टाइल में जाइए और इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप सेंटर्ड कर दें, बस इतना ही आपको करना है। तो चलिए फिर से रन करते हैं, तो फिर से डाउनलोड करते हैं और एक बार फिर से ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए जो डेटा है वो प्रॉपरली जो है आ चुका है, सेंट्रली अलाइनमेंट होके। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स हैं आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है ग्रिड व्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए PDF फाइल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेब एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप किसी को इनवॉइस डाउनलोड करवाना चाहते हैं या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल डाउनलोड करवाना चाहते हैं जिसको वो एडिट ना कर सके तो उसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताएंगे आप अपकमिंग ट्यूटोरियल्स कैसे चाहते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स।